أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على ربيع الأنام السلام عليك يا بقية الله الأعظم يا ولي الله الأعظم ولادتي منجي عالم بشريت قلب عالم امكان امام زمانا عجل الله تعالى فرجه الشريف आप तमाम आशिकान विलायत को शियायान हैदर गर्रार को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत सारों ने बातें की हैं, बहुत सारों ने रोशनास किया है। आज मैं दो बहुत अहम पॉइंट की तरफ शब नीमे शाबान शब बरात इशारा करना चाहूँगी जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अजीजान मन, ये दोनों की पॉइंट जिसको मद्देनजर रखने से यकीनन कल्बे मगमूम में इमाम ज़माना आज की शब मेरे लिए आपके लिए खुशनूत और इमाम के नेक दुआओं में हम सब शामिल होंगे। फर्स्ट और पहला जो नुक्ता है वो ये कि हम सब मर्द है, औरत है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब इमाम ज़मान अरवाहुना फिदाह को याद करें। चाहे एक अल्लाहुम्मा लिवलीयकल फरज पढ़कर याद करें, या चाहे एक मर्तबा अल्लाहुम्मा कुल लिवलीयकल हुज्जत इब्ने हसन पढ़कर, या एक सदका निकाल के, या अपने हाथ को अपने सर पे रखकर मौला इमाम ज़माना को एक दफा छुपकर डेली सलाम देकर, ये मजाक नहीं है। इसलिए कि इमाम ज़माना हई है, इमाम हाजिर है, इमाम नाजिर है। इमाम ज़माना मेरे दिल में नहीं, मेरे घर में, आपके घर में, हमारी शादियों में, हमारे जनाजों में, हमारे हज में, हमारे ज़ियारात में, हमारे शॉपिंग मॉल्स में, खलवत में, जलवत में, सफर में, हजर में, हर जगह ये इमाम हमारे साथ है। चलिए आज से मेरे आपके लाइफ में इमाम की रजा को हासिल करने के लिए हम इमाम को याद करेंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट होगी अजीजान, आइए कल्बे मगमूम में इमाम को याद करें। चाहे एक फ्लैग अपने दरवाजे पे लगा के, कुछ एक्स्ट्रा लाइट आज की शब ऑन करके, या कुछ चॉकलेट्स लोगों में बांटकर, मिठाइयां बांटकर, आज कोई खास डिश अपने घर में बनाकर अपने बच्चों के दिलों को रोशनास करे इमाम ज़माना की याद से, और इमाम को याद दिलाए कि मौला हम सब आपको याद करते हैं। इसलिए कि इमाम ज़माना ने फरमाया, इन्ना गैर मुहमिलीन लिमुराआतिकुम वला नासीना लिज़िक्रिकुम। मैं इमाम ज़माना कभी तुम लोगों को नहीं भूलता। मैं करबला जाऊं, मैं सामरा जाऊं, मैं शाम जाऊं, मेरी तहज्जुद की नमाज हो, मेरा कुनूद हो, मैं अपने चाहने वालों को, मैं अपने फॉलोअर्स को कभी भी फरामोश नहीं करता। और जो दूसरा अहम पॉइंट है वो ये कि इमाम ज़माना मुझसे और आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इमाम मुझसे और आपसे क्या तवक्को रखते हैं। अजीजान, सबसे अहम चीज़ मैं समझती हूँ जो इमाम ज़माना अपने रियल बिलीवर्स से, अपने चाहने वालों से, सही मानों में हकीकी शियायान हैदर कर्रार से जो एक्सपेक्ट करते हैं और इमाम तवक्को रखते हैं वो है हमदिली। घरों में, रिश्तेदारों में, ख़ानदान में और जमात में, मस्जिदों में, डिफरेंट मसालिक में, पूरी बशरियत के लिए आइए हमदिली के साथ। इज्तमाअल कुलूब जिसे कहा जाता है, सब दिलों को इकट्ठा कर ले, रिश्तों में दरार पैदा ना करे, बीच में जाकर राय का पहाड़ ना बनाए। इमाम ज़माना की दुआ शबे मुकद्दरात, शबे मग़फ़िरत, शब नुज़ूल रहमत, जिस रात अल्लाह तमाम तर रहमतों को हम पर खोल देगा, अगर आप खुद पर खुलवाना चाहेंगे, आज इज्तमाए कुलूम के लिए स्टेप उठाएं, कदम उठाएं। जिनसे कटे हैं, जिनसे सिले रहमी नहीं है, आज आगे बढ़िएगा, इमाम आपके जानिब आएंगे, इमाम आपके लिए दुआ करेंगे। क्योंकि आज की शब मेरा आपका नाम अमाल कहा जाता है इमाम ज़माना के यहाँ पेश कर दिया जाता है। कहीं ऐसे ना हो मेरा सियाह नामे आमाल को देखकर मेरे वक्त का इमाम आंसू बहाए, मेरे इमाम ज़माना मेरे वक्त के हुसैन की आंखों में आंसू आए।
आज हमदिली कीजिएगा, आज मोहब्बत फैलाइएगा, आज मेहरबानी का आगोश सबके लिए खोल दीजिएगा, अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने औलाद के लिए। क्योंकि गीबत है इमाम जमाना के दलाइल में एक सबसे अहम दलील ये है, शेख तुसी रिजवानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इन्नमा हजब सुआ अमा लिकुम, वरना सूरज तो हर रोज तुलू करता है। ये हमारे आमाल है कि हम उस सूरज की रोशनी को खुद पे पड़ने नहीं देते हैं। तो आज अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़े 70 टाइम्स और इमाम जमाना से तलब मग़फ़िरत करते हुए दुआ मांगे। ज़बां से कह भी दिया अल अजल तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुंतजर नहीं तो कुछ भी नहीं। परवरदिगारा अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीयिकल फरज, इमाम को हमसे राजी, इमाम की दुआओं में हमें शामिल फरमा।